भागलपुर के नौगछिया पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली कि निगम के तरफ से हथियार तस्कर गिरोह भारी मात्रा में हथियार गोली लेकर आ रहे हैं, जिसकी खरीदारी पूर्णिया क्षेत्र में करेंगे। सूचना के आधार पर कार्रवाई हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नौगछिया के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें थानाध्यक्ष रगार मचल का एवं एसटीएफ को शामिल किया गया। इस संबंध में पुलिस ने बताया कि आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया है तथा गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के द्वारा बताए गए अन्य हथियार तस्करी और अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है। शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। कि मुंगेर से हथियार तस्कर कुछ हथियार लेके आ रहा है, जिसका डिलीवरी वो रंगरा या पूर्णिया क्षेत्र में करने वाला है। सूचना मिलते तत्क्षण हमने एसडीपीओ टीम बनाया, जिस टीम में रंगरा थाना प्रभारी और एसटीएफ पटना की टीम शामिल थी, और छापामारी किया गया रंगरा में, जहां पर से कि दो की गिरफ्तारी हुई। उनके पास से ये चार कंट्री मेड पिस्टल मैगजीन सहित, इसके अलावा तीन एक्स्ट्रा मैगजीन, 20 जिंदा कारतूस, दो मोबाइल भी बरामद किया गया और एक बुलेट मोटरसाइकिल बरामद हुआ। कहाँ कहाँ सर छापेमारी की गई? छापामारी यह रंगरा क्षेत्र में किया गया। उसमें कन्फेशन में कई नाम भी बताया है, जिस पर लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। कहाँ से आ रहा था सर? ये मुंगेर से आ रहा था। कहाँ डिलीवरी करनी थी? ये डिलीवरी करना था रंगरा क्षेत्र में। आरोपी उसके बाद फिर वहाँ से टीम ले जाता, आगे फिर पूर्णिया में बेचता वो। कौन कौन लोग पकड़ लिए? कौन कौन लोग गिरफ्तार हुए हैं? गिरफ्तार हुए जो दो व्यक्ति है, एक नाम है मोहम्मद हैदर जो मुंगेर का है, और दूसरा जो है सिकंदर कुमार, ये आपका कुर्सेला थाने का है, कटिहार का। पूछताछ में क्या सामने आया कि कब से डिलीवरी चल रहा था? देखिए, ये जो हैदर है ये पुराना आदमी है, बहुत पहले से इसमें वो लगा हुआ है, इन्वॉल्व है, और कई नाम भी हम लोगों के सामने आया है। जो सोर्स पर्सन है, जो क्रिमिनल्स है, जो सप्लाई करता है मुंगेर में, उसका भी नाम आया है। और इसके अलावा जो पूर्णिया या आसपास के थानों में जो इन्वॉल्व है, जो रिसीव करते हैं और उसको फिर बेचते हैं, सभी नाम लोग सामने आया हुआ है, जो कार्रवाई कर रहे हैं। सर, किससे आए थे और कैसे जा रहे थे डिलीवरी देने के लिए? लोग बस से आते हैं और हर चौक पे उतरते हैं, फिर बस को चेंज भी करते रहते हैं। वो हर तरह से प्रिकॉशन लेते हैं कि हमारे कोई शक नहीं हो या हमें कोई फॉलो ना करे। तो हम लोग पास पुख्ता सबूत था, पुख्ता सूचना था, इसलिए उन्होंने कार्रवाई किया। गिरफ्तारी इस तरह का हाल में एक बरामदी हुआ था, उसमें मुख्य सरगना का गिरफ्तार नहीं हो पाया था हथियार तस्कर में, फिर इस तरह का गिरफ्तारियाँ होती हैं। हम लोग सब लगे हुए हैं, जो मुख्य सरगना नाम आया हुआ है उसका भी इस केस से संबंध है, उसमें लगे हुए हैं, मतलब गिरफ्तार कर लें। नौचा पुलिस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बिल्कुल कह सकते हैं कि हाल के दिनों में लगातार ये उपलब्धि हमें मिल रही है। टीम को जो है इसे ये एक टीम वर्क है, जिसको लीड एसडीपीओ ने किया है, इसमें जो भी शामिल हमारे थाना पाई डांगरा है, अन्य पुलिसकर्मी भी हैं, और एसटीएफ पटना की टीम है, सबको पुरस्कृत किया जाएगा।